आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव का उनके पैतृक गांव सैफई में अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले सुबह 10 बजे सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल पर अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। इस दौरान कई नेतागण वहां पहुंचने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सैफई पहुंचेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हेमंत सोरेन, ओम बिरला, केसीआर कमलनाथ समेत केंद्रीय मंत्री भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। बता दें, आज राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। करीब 3 बजे मुलायम सिंह यादव का उनके पैतृक गांव सैफई में अंतिम संस्कार होगा। बता दें, भारी संख्या में रक्षा मंत्री समेत कई राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। भारी संख्या में लोग मौजूद होंगे। हर कोई नेताजी को अंतिम विदाई देना चाहेगा, हर कोई उन्हें आखिरी बार देखना चाहेगा। बता दें, आज सैफई के मेला ग्राउंड के पंडाल में अंतिम संस्कार के लिए सुबह 10 बजे पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां लोग नेताजी को अंतिम विदाई देंगे। वहीं करीब दोपहर 3 बजे उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें, इस दौरान कई नेतागण वहां पहुंचने वाले हैं। सैफई के मेला मैदान से हमारे साथ संवाददाता विवांशु जुड़ चुके हैं। विवांशु, ग्राउंड में मुलायम सिंह यादव का 10 बजे पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, क्या कुछ जानकारी? जी नंदनी, आपको बता दें कि इस वक्त हम मेला ग्राउंड में हैं, जहां नेताजी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको तस्वीरों में दिखाएं, ये पूरा एक भव्य मंच बनाया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और आस पड़ोस के राज्य और तमाम यहाँ लोग हैं, जो बात की जाए तो झारखंड और छत्तीसगढ़, ऐसे तमाम राज्यों से लोग यहाँ नेताजी का अंतिम दर्शन करने आए हैं। साफ तौर से अगर देखें तो सबकी आंखें नम है, क्योंकि अगर देखें तो एक राजनीति के भीष्म पितामह का कहीं ना कहीं स्वर्गवास हुआ है, जो साफ तौर से जो कार्यकर्ता हैं उनके चाहने वाले हैं उनके चेहरों पर साफ तौर से देखा जा सकता है। आपको बताएं कि आज के इस श्रद्धांजलि सभा में अभी अगर बात करें तो महज कुछ देर के अंदर नेताजी का पार्थिव शरीर यही रखा जाएगा, और यहाँ से ठीक बगल में मेला ग्राउंड है, जहाँ नेताजी पंच तत्व को विलीन करेंगे। और आपको बताएं कि उनके जब अंतिम संस्कार होगा तो उसमें सम्मिलित होने के लिए देश और विदेश से तमाम गणमान्य सैफई आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की SPG की सुरक्षा यहाँ आ चुकी है, और माना ये जा रहा है कि लगभग 3 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ नेताजी को अंतिम विदाई देने आएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से सैफई में हैं, और वो सैफई से के समीप जिला आगरा में सर्किट हाउस में रुके हुए हैं, और कल आज वो भी यहाँ आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और भारत जोड़ो यात्रा को बीच में रोककर और राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ इस श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होंगे और नेताजी को कहीं ना कहीं वो श्रद्धांजलि देंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो UPA की सरकार थी, उस वक्त नेताजी मुलायम सिंह जी देश के रक्षा मंत्री थे, जिनके कामों को आज लोग यहाँ याद करते हुए भावुक हो जा रहे हैं। वहीं नंदनी, आपको बताएं कि आज देखा जाए तो आज सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो राजनीति के अंदर में जो भारतीय लोकतंत्र की मिठास है वो साफ तौर से सैफई के अंदर में देखने को मिल रही है। क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष, सबकी आंखें नम है, और नम आंखों से सभी नेताजी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो राजनीति में
तो राजनीति में जो ध्रुव विरोधी है वो भी आज नेताजी को अंतिम विदाई देने आ रहा है। अगर बात करें तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगभग 2 बजे के करीब आएंगे। साथ ही आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह भी यहां आने का सूचना मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री की आज के श्रद्धांजलि सभा में और मुख्यमंत्रियों की आने की बात कही जा रही है, जो साफ तौर से कहीं ना कहीं जो मुलायम सिंह जी की छवि थी उसका साफ तौर से असर आज के आपके जो ये श्रद्धांजलि सभा है वहाँ आप देख सकते हैं। आप देखिए कि धीरे धीरे कुर्सियों की तादाद बढ़ती जा रही है और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं आपको कि यहाँ हजारों की संख्या में कुर्सियाँ लगाई गई हैं और अभी वक्त 9 बज रहा है और 9 बजे आप देख सकते हैं कि लगभग 20% जो कुर्सियाँ हैं वो भर चुकी हैं। सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि देखा जाए तो तमाम ऐसे गणमान्य आ रहे हैं, VVIPs आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक प्रशासन के लिए चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी ये श्रद्धांजलि सभा को वो पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करे। आप साफ तौर पे मंच पर एक पोस्टर देख रहे हैं जिसमें नेताजी की एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें उनका जन्म और साथ ही साथ जब वो स्वर्गवास हुए उस दिन का तिथि लिखा है और साफ तौर से पूरे मंच को अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ तमाम जो लोग बैठे हैं वो नेताजी को याद कर रहे हैं और वो कुछ किस्सों को बता रहे हैं कि नेताजी आखिर क्यों उनके चहेते रहे। साथ ही अगर बात की जाए नंदनी तो अगर देखें तो रक्षा मंत्री के तौर पे नेताजी ने एक अलग मिसाल दी थी और ऐसे कई सारे जो दुर्गम चोटियां थी चाहे बात की जाए सियाचिन, ऐसे तमाम जगहों पर नेताजी खुद अपने पैरों से चलकर वहां जाकर और सेना के जवानों का हौसला अफजाई करते थे। वहीं अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने देखा कि कल प्राइम टीवी की टीम नेताजी के घर पर थी, वहाँ कार्यकर्ताओं से बात करते हुए साफ तौर से उनका कहना था कि हमें नेताजी सैकड़ों की भीड़ में बुलाकर दुलारते थे, पुचकारते थे। और बात की जाए तो इसी गांव से नेताजी साइकिल से और रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का पद संभाले, साइकिल से उनके संघर्ष का यहां से एक पुराना नाता रहा है क्योंकि यहां जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि सूर्योदय होते होते नेताजी आस पड़ोस के कई गांवों में अपने मित्र अपने तमाम जो शुभचिंतक थे उनका हाल चाल जानकर वो सूर्योदय से पहले आ जाते थे। और बात की जाए तो नेताजी का संघर्ष यहीं से शुरू हुआ और दिल्ली तक गया। जी नंदनी, नेताजी हर किसी के चहेते हैं तो आज उनके अंतिम दर्शन हर कोई करना चाहेगा, हर कोई उन्हें अंतिम बार विदाई देना चाहेगा और बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटेंगे, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी दीपक से कहूंगा कि वो आपको जम करके दिखाएं कि यहाँ तमाम आस पास के जो चौकियां हैं जो थाने हैं वहाँ की पुलिस को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। अगर बात की जाए तो अब यहाँ देश के कई गणमान्य आ रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बड़े ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि दूर तक कुर्सियां लगाई गई हैं और हर एक जगहों पर कहीं ना कहीं देखे तो हर एक बैरिकेटिंग करके ये जो सामने के वो जहां हम खड़े हैं ये VVIP वो है, यहां जो तमाम दूर दराज से नेता आएंगे, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों, चाहे बात की जाए तो आस पड़ोस के राज्य, चाहे बात की जाए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज नेताजी को नम आंखों से विदाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां नेताजी महिलाओं की भागीदारी को लेकर हमेशा बात किया करते थे और वो महिलाओं को समाज में बेहतर स्थान दिलाने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं वो बात करते थे और कहते थे कि महिलाओं को उन्हें उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए, तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग, पुरुष हो या महिला, बच्चा हो या बूढ़ा, हर व्यक्ति नेताजी की इस आखिरी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर और उनके विदाई इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा है। और साफ तौर से अगर देखें तो सबकी आंखें नम है और सब अपने नेताजी को याद कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से नंदनी बात करेंगे और उनसे कुछ किस्से जानेंगे नेताजी को लेके। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो उस तरह का फिल्म रहे। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आई है? हम करेल के पास, करेल के पास, करेल से। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपके चहेते नेता अब इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गवास
चले गए। पूरी सबकी आंखें नम है, क्या कहेंगे आप, कुछ बताइए। क्या बताओ, चले गए सब, दुख है। अच्छा और क्या बताऊं जी। अच्छा मैम, हमेशा नेताजी देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी को लेकर हमेशा वो बात किया करते थे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाओं को सम्मान की बात हमेशा करते थे, और कहते थे कि समाज में कहीं ना कहीं पुरुषों के कंधे से कंधा महिलाओं को मिला के चलना चाहिए, और उसकी हमेशा वो वकालत करते थे, क्या कहेंगे। हाँ हेलो, हाँ भैया, नेताजी हमारे हमेशा जहाँ रहे तो सुखी से रहे। हम आए थे हमारे यादव वंश में एक कन्हैया पैदा हुए थे, दूसरे हमारे नेताजी पैदा हुए थे। हम उसके लिए बड़ा दुख है, भगवान जहाँ पे पहुँचे जहाँ शांति उनके परिवार को मिले। अच्छा देखा जाए मैम, तो हम लोग कल से ही हम आए हुए हैं, तमाम लोगों से बात किए, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि अधिकांश जो आस पड़ोस के गांव है, चाहे करहल हो, चाहे इटावा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे सैफई हो, कई घर में चूल्हा नहीं जला है। हाँ हाँ सर, ऐसी है, बहुत दुख की बात है। हमारे नेताजी हमारे बीच से चले गए हैं, हम लोग कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। कुछ जी मैम, हमें ये बताएं कि महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर नेताजी हमेशा वकालत किया करते थे, और वो कहते थे महिलाओं को समाज में पुरुषों के तुलने से वही स्थान मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिलता है, आप क्या कहेंगे। नेताजी को लेके आज बहुत दुख है, हम कुछ कह नहीं सकते, उनके बारे में जितना बोले उतना कमी है। कहाँ से आई आप। हम इटावा से आए। इटावा से आए हैं, तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ माता जी हैं जो नम आंखों से अपने नेता को आज विदाई दे रही हैं, और इनके चेहरे के भाव से आप समझ सकती हैं मयूरी कि क्या कैसे ये जो तमाम लोग हैं वो नेताजी को याद कर रहे हैं, उनके किए गए कामों को याद कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि नेताजी के किए गए कामों से वो कुछ उनसे किस्सों को जानेंगे। और वहीं आपको बताएं कि आप देख सकते हैं यहाँ की हर वर्ग के लोग, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, तमाम लोग धीरे धीरे जो कुर्सियां हैं उस पे आते हैं, बैठ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि अब मंच जो है वो धीरे धीरे पूरी तैयार हो चुका है, और कुछ ही घंटों के अंदर माना ये जा रहा है कि 10 बजे नेताजी का पार्थिव शरीर इस ग्राउंड में रखा जाएगा, और यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित मेला ग्राउंड में नेताजी पंच तत्व को विलीन होंगे। और हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करेंगे नंदनी, और उनसे जानेंगे कि नेताजी अगर देखें तो उनके तमाम ऐसे कार्य हैं जो कभी न मिटने वाले हैं, और सुनहरे पक्षों में पन्नों में वो अंकित हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम हाफिज़ इरफान है, मैं बदायूं से आया हूँ, और बदायूं में सहसवान विधानसभा का मैं रहने वाला हूँ, और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे यहाँ से एक बार नेताजी विधायक चुने गए थे, और मैं कहना चाहूँगा इस मौके के भी नेताजी ही धरती पुत्र है, नेताजी ही रफीकुल मुल्क है, और वो बेशक आज जहाने फ़ानी को छोड़ के जहाने बाकी को चले गए हैं, मगर उनके सिद्धांत और उनकी नीति हमेशा समाजवादी धारा को जोड़े रखेगी, बांधे रखेगी। उनके विचार हमेशा हम लोगों के दिल दिमाग पर छाए रहेंगे, और जो उन्होंने सिद्धांत जो अपने छोड़े हैं, मेरी तमाम कार्यकर्ताओं से ये अपील है कि उनके सिद्धांतों पे हम सबको अमल करके इस देश की राष्ट्र की सेवा करनी है। नेताजी कहा करते थे कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का एक नाम है समाजवाद, आपसी जो देखा जाए प्यार है धर्मों के बीच उसका नाम है समाजवाद, क्या कहेंगे। जी मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ आपकी कि नेताजी इस हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेकुलर नेता थे, और जितनी भी सेकुलर जमातें हैं सब उनकी ताज़ीम करती थीं, और यही कहीं ना कहीं वजह है कि आज जब इस दुनिया से वो रुखसत हुए हैं, तब पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक हो गैर राजनीतिक लोग हों, सभी को ठेस पहुंची है, सभी को तकलीफ़ पहुंची है, और हम सब समाजवादी परिवार के साथ हैं, दुख में शरीक हैं, बिलखसूस हम बदायूं के पूर्व सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव के दुख में शरीक हैं। जी तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, सर अपना नाम बताएं और कहां से आए हैं। जमशेद अहमद खान, सहसवान डिस्ट्रिक्ट बदायूं से। जमशेद जी हमें ये बताएं कि आज धरती पुत्र मुलायम जी स्वर्गवास हो गया, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जाए तो सभी व्यक्ति
नम आंखों से उनकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि आदरणीय मुलायम सिंह जी हम सब लोगों के दिलों में जिंदा हैं और वो हमेशा अमर रहेंगे, और सभी कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लें, उनके जीवन से प्रेरणा लें। जिस तरह से उन्होंने लोगों को सराहा, लोगों के काम करे, लोगों का दुख दर्द बांटा। हमारे यहाँ से 1996 में विधायक रहे आदरणीय नेताजी, और नेताजी के मार्गदर्शन पर ही हम लोग चल रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी पूर्व सांसद बदायूं, जिनके अंदर हमें नेताजी की छवि नज़र आती है, लगता है कि हूबहू बिल्कुल नेताजी जैसे हैं। तो बस बहुत अफसोस है, बहुत तकलीफ है, जो बयान नहीं कर सकते। हमारे नेताजी चले गए, अब क्या बताएं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमें भी, हमारी पार्टी को भी। तो सदैव यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें स्वर्ग में जगह दे। अच्छा, आप अपना नाम बताएं, और देखा जाए तो पक्ष हो या विपक्ष, सबकी आंखें नम है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम रजी अहमद, मैं जिला बदायूं कस्बा सहसवान से हूँ। धरती पुत्र मुलायम सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे, मुझे उसका बहुत अफसोस है, और उन लोगों से हम श्रद्धांजलि देने हैं। तो साफ तौर से आप कार्यकर्ताओं की नम आंखों से ये समझ सकते हैं नंदनी मयूरी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कार्यकर्ता आज मुलायम सिंह जी को याद करके और उनके जो तमाम कार्य हैं उनको याद कर रहे हैं और नम आंखों से अपने नेता को विदाई दे रहे हैं। वहीं हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है नेताजी को लेकर। साथ ही नंदनी, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ जो संख्या है उसमें धीरे धीरे इजाफा होता जा रहा है, और देखें तो अभी 9 बजे हैं और नेताजी का जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक आवास पर रखा है, और यहीं से निकलकर, साइकिल से निकलकर अपने देश में अपनी पहचान बनाने वाले नेताजी आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबको बुलाकर अपने जो देखे तो चैन से वो चैन की नींद सो गए हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो कार्यकर्ताओं को आप साफ तौर से उनकी आंखें नम हैं और वो अपने नेता को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं वो इस कमी को भरा नहीं जा सकता है, मगर ये कहीं ना कहीं जो तमाम उनके चाहने वाले हैं कार्यकर्ता हैं कि वो उनसे बात के दौरान ये बताया जा रहा है कि हम नेताजी के वसूलों पर चलकर हम हमेशा काम करेंगे, राजनीति करेंगे, और नेताजी की जो सोच थी वो अमर है और वो हमेशा जीवंत रहेगी। अच्छा, आप हमें अपना नाम बताएं और कहां से आए हैं? हम स्वामी भानु प्रताप हैं, आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से आए हैं, देखा जाए तो नेताजी का आजमगढ़ से एक विशेष लगाव रहा है, और आजमगढ़ के अंदर में काफ़ी विकास कार्य किए हैं। आजमगढ़ को उनका दूसरा घर कहा जाता है, क्या कहेंगे आप? एकदम सत्य आपने कहा कि आजमगढ़ को उन्होंने अपने दिल की धड़कन आजमगढ़ को बताया, इसलिए आजमगढ़ से के साथ साथ नेताजी का लगाव, नेताजी एक परिवर्तन की राजनीति किया, नेताजी ने लोकतंत्र की बहाली किया, समाजवाद पैदा किया, समानता, एकता, नेताजी एक विचारधारा है। नेताजी को अगर पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे निचला हो चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो चाहे बीच का हो, वो समांतर रेखा में आकर के खड़ा होता है। नेताजी जैसे देश की सीमा के जवानों का डेड बॉडी लाने का कानून बनवाने में संघर्ष किया, किसानों के लिए किया, एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को जो रिक्शा से चल के गया उसको विधानसभा में भेजने का काम किया, आदरणीय नेताजी। इसलिए आज देश सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर नेताजी के नाम से किसी को संबोधित करता है तो श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के। नेताजी का कहा जाता है कि हम आपसे सवाल करेंगे, आप बुजुर्ग हैं, हमें ये बताएं कि नेताजी का कहा जाता है कि सैकड़ों की भीड़ में वो कार्यकर्ताओं को नाम से पहचानते थे, और उन्होंने कार्यकर्ता को उठाकर और सत्ता के शीर्ष पायदान पर बिठा दिया, कुछ को तब बताएं हमें इस किस्से के बारे में। नेताजी की अगर हजारों के बीच में और मिले हैं कोई घटना तो उसको तुरंत बताते थे। नेताजी में वो क्षमता थी, वो स्टेमिना थी, संघर्षों से कभी नहीं घबराए, चाहे सामने तूफान हो चाहे पहाड़ हो, वो अपनी लड़ाई जैसे एक संत हो, एक भक्त हो कि अपने परम पिता परमेश्वर के लिए वो चलता चला जाए, चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे, वैसे आदरणीय नेताजी अपने गरीब जनता के लिए, पिछड़े के लिए, विकास के लिए, देश के लिए जिस रास्ते से चले उस रास्ते से चलते रहे, ये नेताजी की बहुत बड़ी खूबी रही। शायद आज यह देश में एक बड़ा युग का आज समापन हो रहा है,
और निश्चित तौर से आने वाली पीढ़ी नेताजी को पढ़ करके लोकतंत्र को, संविधान को बचाएगी और नेताजी के रास्ते पे चलेगी और नेताजी सदैव सदैव के लिए हिंदुस्तान की राजनीति में, भारत की राजनीति में अमर रहेंगे। अच्छा, आपके समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता है शिल्पी चौधरी, कल उनसे प्राइम टीवी की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि एक युग की शुरुआत है, आप सभी युग के अंत ना कहें, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम नेताजी के वसूलों पर चलकर और उनके जो तमाम सिद्धांत उस पर चलकर हम कहीं ना कहीं उनके सिद्धांत को ख़त्म नहीं होने देंगे, वो हमेशा अमर रहेंगे, इसको लेके आप क्या कहें? देखिए, ये वो अब किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, हमारी बात समझिए, जैसे नेताजी का जो ये गृहशाला, जैसे ये गुरु आश्रम, उसका समापन हुआ है, अब उनके आश्रम से निकलेगी शैली, वह युग एक प्रारंभ होगा, लेकिन नेताजी कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। धरती पुत्र जिसे कहा गया, नेताजी कहा गया, लव पुरुष कहा गया, आप ये बता दें फूलन देवी को लाकर कहां से कहां नेताजी ने खड़ा कर दिया, कितना आरोप उनके ऊपर लगा, हर धर्म के, हर मजहब के लोगों को अगर हृदय से लगा करके, और जिसे अगर डांट देते थे नेताजी, आपने कहा एक घटना, नेताजी अगर जिसके ऊपर गुस्सा हो जाते थे मीटिंग में, उसको उसके ऊपर पूरा उनका आशीर्वाद हो जाता था, ये नेताजी की सबसे बड़ी खूबी होती थी, बाद में उनके हृदय में उसके प्रति इतना आभार आ जाता था कि अगर वो टिकट मांग रहा होता तो उसका टिकट फाइनल हो जाता था। तो ये ऐसा ही एक है कि कोई जाता है तो कोई आता है। आज जो आपने जो प्रश्न किया है, नेताजी का बनाया हुआ एक श्रृंखला, उसको आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन नेताजी ने जितना, आज मोदी जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, पक्ष हो विपक्ष हो, आप देख रहे हैं इस बारिश में लगातार बारिश भी हो रही, हम लोग जैसे कि आज पांचवा दिन है वेदांता से लेके यहाँ तक रात भर सोए नहीं, लेकिन नींद भी नहीं आ रही है, आँखों से आंसू भी सूख गया है, बस परमपिता परमेश्वर के लिए यही प्रार्थना करते हैं, हमारे नेताजी को आप अच्छी जगह दो और भारत की राजनीति में ऐसे नेताजी के विचारधारा को लेकर के, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चले, जिससे हर समाज का, हमारे हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का विकास हो, नौजवानों को एक ऊर्जा मिले, सीख मिले। तो इसलिए नेताजी नौजवानों के साथ जवान भी होते थे और बुजुर्गों के साथ वो अपना एक ज्ञान का विद्वत्ता भी शेयर करते थे। आदरणीय नेताजी के बारे में जितना ही कहा जाए वह शब्द कम पड़ जाएगा। नेताजी की घटनाएं आप ये देखें कि वो दौर था जब गए थे चीन को एक बार कहे कि युद्ध होगा लेकिन आपकी जमीन पे होगा, नेताजी संघर्ष के नाम से जाने गए, एक सैफई से उभरे, आप जीवनी देखिए, वो स्वयं बताते थे कि हम अंशु आगे भी आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे फिर अपडेट लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। क्रांति व्रत की बात कर रहे हैं, क्रांति व्रत जो नेताजी की अगुवाई में निकाला गया था, बाद में निकाला ने, उससे पहले नेताजी ट्रक से जाते थे वहाँ, जहाँ जिस जिले में सभा करना होता था वहाँ सभा करते थे, नेताजी अपने मुख से ये बयां करते थे, बताते थे हम लोगों को। तो नेताजी को मैं ये समझता हूँ कि किसी भी धर्म का कोई भी अगर अपना धर्मगुरु भी है तो उससे अगर आप जोड़ेंगे, किसी भी धर्म से नेताजी को जोड़ेंगे तो नेताजी उससे मिलेंगे और उसको स्वीकार किए, इसलिए नेताजी की महिमा, और आज नेताजी के पूरा उत्तर प्रदेश नहीं देश शोकाकुल में डूबा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, विवांशु बने रहिएगा हमारे साथ। अच्छा, आज विवांशु, देखा जाए तो पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि भगवान ख्याल रखना हमारे मसीहा जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, वास्तविकता है कि जो भी देखा जा रहा है या कह रहे हैं लोग वो हकीकत में है। नेताजी हमारे एक नेता ही नहीं थे बल्कि वो ईश्वर थे, भगवान थे, और हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमारे भगवान हमें छोड़ करके और चले गए हैं। किसान मजदूर नौजवानों की गाड़ी का जो है पहिया आज दलदल में है, कोई हमारी बात करने वाला नहीं है, नौजवान सड़कों पर घूम रहा है। नेताजी को ये चिंता रहती थी कि हमारा किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, तो नेताजी सदन में बात उठाते थे और उनके लिए कई एक
बहुत ही मतलब कानून बनाए थे नेताजी ने कि हमारे हित के लिए, तो इस तरीके से नेताजी सबके दिलों में बसे हुए, दिलों पर सबके दिलों में राज करते हैं नेताजी हमारे। तो साफ तौर पे आप नंदनी देख रही हैं कि यहाँ सभी कार्यकर्ता नमी नम आंखों से नेताजी को अंतिम विदाई देने पहुँचे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये भावुक क्षण आपने कैमरे में देखा होगा। जी विवांशु, आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।